फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई यार, फिर हम अंदर गए हॉस्टल में। अब हॉस्टल में नई जिंदगी दिख रही है मुझको, अलग माहौल दिख रहा है। अच्छा हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं यहाँ, हाउ मेनी हॉस्टलर्स? हॉस्टल का ना एक क्लियर नियम कानून है कि लाइट गई तो चिल्लाओ, क्यों प्रोटोकॉल है, चिल्लाना है, क्या चिल्लाना है कुछ भी पर चिल्लाना है। लाइट गई तो हा, मैंने कहा क्या है, क्यों ये कल्चर क्यों बना है, कौन बना के गया है, कोई रूल तोड़ भी नहीं रहा है। फिर कभी कभी नारे लग रहे हैं, वार्डन सर की तारीफें हो रही हैं उसमें लाइट जाने के बाद। कभी गर्ल्स हॉस्टल की तरफ नारे लग रहे हैं, चिल्लाया जा रहा है नाम और लाइट आते ही शांत, पता लगा लो किसने चिल्लाया है, आओ ढूंढ लो। ये बड़ा अनसेट रूल है, अनसेट प्रोटोकॉल है कि भाई लाइट गई तो चिल्लाना है हॉस्टल। एक तरफ मेरी लाइफ एकदम सीरियस, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, और एक तरफ हॉस्टल में और डिफरेंट लाइफ चल रही है। हॉस्टल के अंदर अगर एक लड़का तैयार होकर कॉलेज जा रहा है ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मंगनी का होता है, पूरा मंगनी का। शर्ट रूममेट की पहनी है, पैंट बगल रूम की पहनी है, चप्पल किसकी पहनी है एफबीआई भी नहीं पता लगा सकती। चप्पलें तो मतलब ऐसे टहल रही हैं पूरे कॉलेज के अंदर। और जिस दिन आपका वाइवा या फॉर्मल डेज होते होंगे आपके, कुछ आपके हर दिन फॉर्मल होते हैं क्या, यूनिफॉर्म है क्या कॉलेज में? दी सी इट्स वेरी गुड टू हैव अ यूनिफॉर्म इन कॉलेज बिकॉज इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन, सो आई एम इन फेवर। एक बड़ा फायदा है यूनिफॉर्म होने का, रोज सोचना नहीं है ना क्या पहनना है, वही डाला वही पहन के आ गए। लड़के वैसे भी नहीं सोचते हैं, लड़के नहीं, एक टी शर्ट है, सुबह पहना, कॉलेज आए, वापस गए, उसी में खाना खाया, दाल गिराई, केचप गिराया, पढ़े, सो गए। नाइट सूट आइट सूट नहीं होता लड़कों के लिए। अगले दिन सुबह उठे, भाई कैसा लग रहा हूँ, अरे हीरो, अरे थैंक यू भाई, आ गए कॉलेज वापस। अगले दिन पढ़े, फिर खाना खाए, फिर सो गए। चिपके रहते हैं उनके कपड़े, बदन से चिपके रहते हैं, पीछे पसीना आएगा, सूख जाएगा, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ी बहुत अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब तक चल रहा है चलने देंगे जी, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, जब तक तो एकदम रूम वाले चिल्लाने लगे, क्लास में लोग ना बोलने लगे बदबू आ रही है भाई आप बदल ले। और एक तो ये हथियार लेके चलते हैं जो जूता है, मारते नहीं है, जूता उतार दें अगर 10 लोग तुरंत बेहोश, एटम बॉम्ब है पास में। एक्चुअली क्या है ना, लड़कों के लिए जो हाइजीन होती है ना, वो उन्हें लगता है हाइजीन दूसरों के लिए करनी चाहिए, कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं नहाया नहीं हूं। कितने लोग रोज नहाते हो? बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूं जितनों ने हाथ उठाया था, ये वीकली नहाने वाले हैं, वीकली। संडे को नहाएंगे ना भाई, रोज नहा के क्या, परफ्यूम डन, हो गया नहा लिया,